your name here. Thank you, sir. भारत में महिला दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। आज महिला दिवस है जहाँ पे केपीएम स्कूल आज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित है। महिला दिवस आज मनाया जा रहा है। आज हम जगत जननी जगदम्बा के जो इस सृष्टि की रचना की गई है, इस सृष्टि के अंतर्गत इस धरती माता के जो भी धरती माता एक महिला है और यह भारतवर्ष हमारा जो भारत देश है इसको भी हम अपनी माँ मानते हैं, उसी तरीके से आज यहाँ केपीएम स्कूल में जो महिलाएं उपस्थित हुई हैं आज अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए और अपने को जानने के लिए कि उनकी शक्ति क्या है, उन्होंने सृष्टि कैसे बनाई है, यह संसार चलता कैसे है। यहाँ माँ बहन बेटी बहू और मौसी और मामी ये जो रिश्ते हैं अलग अलग ढंग से यहाँ पे हमारे देश में और इस पूरे विश्व में कैसे एक कल्चर बना हुआ है, एक संबंध जो महिलाओं से उत्पत्ति हुई है उसके बारे में आज पीआरएसएस न्यूज के माध्यम से हम इन महिलाओं से जानेंगे जो हमारी माँ बहन बेटी और कहीं ना कहीं कोई रिश्ते से जुड़ी हुई है। तो आज हम बात करते हैं कि हमारे जो सोशल वर्कर है यहाँ पे उपस्थित है स्कूल में, हम उनसे बात करेंगे। मैडम आप एक शिक्षिका है और समाज सेवक है, आप बताइए आज महिला दिवस पे आप लोग जो दिवस मना रहे हैं ये कब से लागू किया गया और महिलाओं को क्या शुभ संदेश देती है? यही शुभ संदेश महिलाओं को कोई भी अत्याचार करे लेकिन अगर महिलाएं जो है अत्याचार करती तब क्या होगा, उनके लिए क्या सजेशन है? तो ऐसे कई केसेस हम देखने में आते हैं सिटी सिविल कोर्ट जैसे जहाँ पे हम देखते हैं फैमिली कोर्टों में महिलाओं से संबंधित कई मामले विचाराधीन रहते हैं और महिलाओं की उसमें उत्तेजना वो सामने आती है। तो आज महिलाओं से सृष्टि चल रही है लेकिन महिलाओं पे अत्याचार भी कहा जाता है और कुछ जगहों पे देखा गया है कि महिलाओं का भी अत्याचार सामने आता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आपका नाम बताइए, आप कहाँ पे प्रोफेसर हैं? तो हमारे साथ में मैडम की कार्तिका हाई स्कूल में पढ़ाती है, उनको भी कई ऐसे परिवार से डेली मुलाकात होती है जहाँ पे महिलाओं के दुख दर्द को जानती है। अब महिलाओं के आज महिला दिवस पे उनकी सबसे बड़ी जो समस्या होती है घर चलाना, घर में राशन लाना, बच्चों को पालना, परिवार को चलाना, अपने पति का ख्याल रखना और अपने सगे संबंधियों का ख्याल रखना, इसी दरमियान उनको अपना रोजी रोटी के साथ साथ इस सृष्टि के रचना में अपना एक बहुमूल्य सहयोग देना होता है। ऐसे में हम जो सैकड़ों महिलाएं आज इस स्कूल में उपस्थित है हम उनसे भी ये बात करते हैं कि जो जगदम्बा माता की कृपा से आज वो अलग अलग धर्मों में रहती है लेकिन इस सृष्टि को चला रही है, अपने परिवार को चला रही है, उनसे बात करते थे। आज महिला दिवस है, आप महिलाओं को क्या संदेश देंगी, कैसे उनका रहन सहन गृहस्थ में और बाहर होना चाहिए? हर महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद ही करना चाहिए, देश के ऊपर कभी डिपेंड नहीं होना चाहिए। सुरक्षा मतलब क्या होता है, मतलब आप किस चीज की सुरक्षा की अगर अपेक्षा करती है तो सुरक्षा क्या है? लोग उनको बुरी नजर से देखते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि कोई हमें जेंट्स की जरूरत ना पड़े, हम अपने ऊपर इतना डिपेंड हो कि हम उनको जवाब दे सकें। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी हम देखते हैं लोगों का देखने का नजरिया अलग होता है लेकिन उनका मन बहुत पवित्र होता है, तो नजरिए के हिसाब से आप देखते हैं कि उनके मन के हिसाब से आप समझ जाती है कि गलत है? उनका नजरिया और उनका मन दोनों पढ़ सकते हैं वो। तो उस स्थिति में आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की है, कुछ कराटे, कुछ फाइटिंग या कुछ अपने बात को कंप्लेन करना या क्या चीज का डिमांड आपको संविधान से या कानून से होता है? हम ना अभी तो हम हाउस वाइफ हैं, हम लोग ना कराटे किए हैं ना कुछ भी नहीं किए हैं लेकिन हम अपनी इतना। आपका नाम बताइए। त्रिपाठी जी से हमने जाना कि उन्होंने बताया कि हम हाउस वाइफ हैं, गृहस्थ में रहते हैं लेकिन हमको कराटे और लड़ाई करना नहीं आता, लेकिन उनको तो बचपन से ही सब घर में ही सीख के रखते हैं। हम जहाँ तक जानते हैं पीआरएसएस न्यूज के माध्यम से झांसी की रानी थी
ऐसे दुर्गा देवी थी जो महान योद्धा थी और इस देश की धरती माता को बचाने में अपना अमूल्य जो है योगदान दिया है। तो इन महिलाओं को एक संदेश हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जाना चाहिए कि उनका जो गृहस्थ में जो वो हथियार को इस्तेमाल करती हैं खाना खिलाने में, लोगों को पोषण करने में, उस हथियार का इस्तेमाल भी वो कर सकती हैं, लेकिन उस हथियार का इस्तेमाल किस समय कहाँ करना है उस स्थिति में रखना चाहिए कि उनको सोच अपने मन के हिसाब से करना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। हम उन महिलाओं से भी बात करते हैं जो हमारे बीच है कि जो एक अलग समाज से वीर रख के इस देश की कर्णधार है, हम उन मुस्लिम महिलाओं से भी बात करेंगे कि इसमें क्या योगदान होगा। आपका नाम बताइएगा। नहीं, यास्मीन जी ये बताइए कि आज महिला दिवस है, आप लोग को क्या लगता है कि विकास के मामले में इस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल एक मंदिर होता है जहाँ मंदिर में सभी जाति धर्म के लोग आते हैं और पढ़ाई करते हैं शिक्षा लेते हैं, तो इसमें आपके सुरक्षा संबंधित आपके बच्चों के सुरक्षा संबंधित क्या है, आपको क्या चाहिए और क्या आपको और होना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में देख सकते हैं कि हमारा न्यूज चैनल बता रहे हैं कि महिलाओं को कुछ ऐसी भी विषय है जिसपे उनको कुछ मालूम नहीं है कि उनकी सुरक्षा कैसी होनी चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। तो यह जानकारी जो है हमारे संविधान को बिना पढ़े कुछ होता नहीं, लोग अलग अलग किताबों को पढ़ते जरूर है लेकिन प्राकृतिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम और महिलाओं से बात करेंगे जो आज चर्चा करेंगे, क्या जो जन्मदात्री है बच्चों को जन्म देती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, फिर उसके बाद उनको जॉब शिक्षा और फिर अंतिम संस्कार तक महिलाओं की स्थिति जो है सामने आती है, उनके कार्य सामने आते हैं। तो ऐसे में हम क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं तो आपको शिक्षा लेने में जो आपका सहयोग होता है मम्मी पापा परिवार किस तरह आपको सहयोग करते हैं? तो आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं? ईडन कॉलेज पढ़ते हैं। तो आपके सुरक्षा से संबंधित आज महिला दिवस है, आप लोग कितनी उत्साह है इस महिला दिवस पे? कब लागू हुआ था महिला दिवस? तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं उनको महिला दिवस आज है लेकिन यह कब लागू हुआ था, स्कूलों में ईडन स्कूल पढ़ती है लेकिन इनको नहीं मालूम है कि आज महिला दिवस कब लागू किया गया था। इसकी भी जानकारी हम अध्यापकों से निवेदन करेंगे कि ये शिक्षा स्कूल में अगर दे रहे हैं तो महिलाओं को और उनकी सुरक्षा के बारे में, उनके दिवस के बारे में कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, किन परिस्थितियों में यह महिला दिवस लागू किया गया, उसको भी शिक्षा के तौर पर बताएं। आज हम देखते हैं कि ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं जिनको अपनी शक्ति के बारे में नहीं मालूम है, अपने शस्त्र के बारे में नहीं मालूम है, उनको क्या करना चाहिए वो डिसीजन नहीं ले पाती। हम उन घरेलू महिलाओं से बात करेंगे, आज महिला दिवस है, आपके महिलाओं की सुरक्षा संबंधित क्या कहना चाहेंगे? नहीं आप शर्माइए नहीं, आज आपकी शक्ति का दिवस है, आप बताइए। नहीं मालूम है महिला दिवस क्या है तो आप बताइए महिला दिवस क्या है? अच्छा महिला दिवस, आज महिला दिवस है, आप लोग की सुरक्षा संबंधित आपके अधिकार है क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए सुरक्षा में, क्या आपकी मांग है, आपको क्या और सुविधा चाहिए सरकार से, प्रशासन से, शिक्षा से संबंधित या हमारे समाज से संबंधित? शिक्षा वह शिक्षा कैसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आपको सुविधा तरीके से मिल जाए? गरीबों को तो मान लो सरकार दे रही है सारी सुविधाएं दे रही है, एडमिशन दे रही है, और क्या चाहिए उसमें? देखभाल होना चाहिए। क्या देखभाल होना चाहिए, किस तरीके का? अच्छा बच्चों को रास्ते में आना जाने के लिए तकलीफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है। नीलम जी ने जैसे बताया कि महिला से सुरक्षित होनी चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, यह बहुत अच्छा है कि महिलाओं को सुविधाओं पे सरकार ध्यान दे रही है और हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से हर महिलाओं को यह सुरक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे पोषण भोजन मिलने चाहिए, उनके जो जीवन में विवादित चीजें हैं वह नहीं होनी चाहिए, कोर्ट कचहरी ये जो शादी विवाह के बाद हो जाता है वह भी नहीं होना चाहिए। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं अगर सरकार उपलब्ध करा रही है
संविधान उपलब्ध करा रही है और हमारे कॉलेज स्कूल शिक्षाओं के माध्यम से उनको सुविधाएं दी जा रही है, तो यह बहुत अच्छा सोचनी विचार है। आज महिला दिनांक पर जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माध्यम से कमलेश पांडे स्कूल में जो यह कार्यक्रम रखा गया है डॉक्टर मिथिलेश पांडे के माध्यम से, यह एक सोचनी विचार है। पांडे जी का जो विचार है इस स्कूल की स्थापना से संबंधित, यह मुख्य सड़क साकी नाका में स्थित है, वह चाहते तो बहुत कुछ यहाँ व्यापार कर सकते थे लेकिन उन्होंने शिक्षा का ही मंदिर क्यों चुना, आज हम उनसे बात करते हैं। पांडे जी ये बताइए कि आपका एक मुंबई सिटी में मुख्य सड़क पर स्कूल है और आप चाहते तो दूसरा भी बिजनेस करते हैं, करोड़ों रुपया महीने की कमाई होती है। आज महिलाओं से महिला दिवस है, महिलाओं से संबंधित इतने अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और दवा भी उनको मुफ्त देते हैं, ये क्या कैसे करते हैं? देखिए कमाई और पैसा, ठीक है पैसे की और कमाई की जरूरत है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है। बहुत सारे उदाहरण है जो माइक पे नाम नहीं लिए जा सकते, ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हैं जिनके पास अरबों खरबों पैसा है लेकिन उनका पैसा बेकार होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, उसका यूज नहीं होता है। इसके लिए हमने शिक्षा का माध्यम चुना है और हमारा आज पूरे विश्व में महिलाओं की आबादी करीब 46% है, भारत में भी लगभग 46% महिलाएं लेकिन उसमें से करीब 28 या 30% महिलाएं ही एजुकेटेड होती हैं। इस बात को ध्यान में रखकर हमने सोचा कि कम से कम महिलाओं को इसी बहाने हम शिक्षित कर सके, क्योंकि बिना महिलाओं जिस समाज की आधी आबादी लगभग महिला हो और वो शिक्षित न हो तो उस समाज का, उस देश का, उस परिवार का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि एक महिला परिवार को शिक्षित करती है, उस परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है, देश से राष्ट्र बनता है। तो ये पहली कड़ी है, अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो हमारा देश शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा और बहुत सारी सामाजिक समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। यह महिला दिवस आज मनाया जा रहा है, यह कब स्थापना हुई महिला दिवस? महिला दिवस शुरुआत जो हुई थी 1909 में न्यूयॉर्क में हुई थी, उसके बाद 1975 में यूएन ने इसको ऑथराइज कर दिया और इसका थीम दिया। इस साल 2022 का जो थीम है वीमेन्स फॉर द फ्यूचर, उस थीम के नाम से महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस तरह से महिला दिवस के शुरुआत 1900 हुआ और आज तक ये हर साल इसका पड़ाव एक 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 स्टेप करके आगे बढ़ता जा रहा है। मैं आज पीआरएसएस न्यूज के माध्यम से मैं प्रधान संपादक पवन पाठक सभी महिलाओं को, अपनी बहनों को और माओ को खूब खूब अभिनंदन करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। पीआरएसएस न्यूज के साथ पवन पाठक। हमारे यूट्यूब चैनल को आप इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर हमें अलर्ट कीजिए और आपके बीच, आपके गांव में, आपके शहर में, तहसील में, इर्द गिर्द जो भी घटनाएं होती हैं उसकी सूचना आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और हमारी खबरों की इसी तरह आप सब देखते रहिए। हम बड़े बड़े खुलासों की इसी तरह आपके बीच प्रकाशित करते रहेंगे।